हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई यहां पर है बहुत सारा पानी और आज हम करने वाले हैं एक ऐसा चैलेंज जिसमें हम रहेंगे पानी के अंदर 24 घंटे, वो भी कैंप लगा करके, यानी कि टेंट लगा करके। तो गाइस इस पानी के अंदर हमारे जोहट पर हम लोग आ चुके हैं, दोपहर का टाइम है, लगभग 12 जो है बज चुके हैं। तो अभी यहाँ पर एक टेंट तैयार करेंगे, एक पानी में रहने वाला एक घर या फिर कैंप तैयार करेंगे। घर तो नहीं बनाएंगे, कैंपिंग कर रहे हैं तो कैंप ही रहेगा। तो उसके अंदर भाई 24 घंटे रहना है और मुझे नहीं पता ये जो चैलेंज है कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस जोहड़ के अंदर बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, बहुत सारे सांप भी रहते हैं। आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर सांप है, कितने सारे रहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे जो है हम 24 घंटे इसमें कर पाते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें। दोस्तों हमको 24 घंटे पानी के अंदर रहना है और 24 घंटे हम लोग पानी से बाहर नहीं आ सकते। तो इसके लिए कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो कि 24 घंटे कम से कम पानी में सह तो जाए। अगर बीच में ही वो डूब गया तो हमारा चैलेंज तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर है गाइस ये टेंट, और ऐसा टेंट आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा। तो गाइस टेंट को करते हैं तैयार जल्दी से। तो गाइस टेंट यहाँ पर तैयार है। अब इस टेंट को, इस कैंप को हमको पानी के अंदर उतारना है, और पानी के अंदर ऐसे तो नहीं उतर सकता। तो भाई उसके लिए कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए जो कि पानी में तैरा सके हमें भी, और साथ ही साथ में हमारे इस टेम्परेरी घर को, इस कैंप को भी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एयर मैट्रेसेस का। तो भाई यहाँ पर एयर मैट्रेसेस आ चुकी हैं। दो मैट्रेस को अगर एक साथ जोड़ दें गाइस तो ये बन गया यहाँ पर 6 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा एक प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर होपफुली हम इस टेंट को रख पाएंगे। रुको रुको रुको, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपस में। यहाँ पर भाई डबल टेपिंग का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है इसका रख दो, ये बढ़िया है, इसको रस्सी से बांध देते हैं नीचे। और होपफुली अब उम्मीद करते हैं कि ये जो गद्दा है ये हमको 24 घंटे पानी में ऊपर रख देगा, डुबाएगा नहीं। तो भाई अब हमारा जो घर है इसमें वजन तो बहुत कम है, चलो अब इसको लेके चलते हैं और पानी में उतारते हैं। अब देखते हैं कि कितनी बात बन पाती है और हमारा जो बेड़ा है वो क्या 24 घंटे इसमें सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। भाई आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ गाइज, 19 सितंबर 12:25 हो रखी है। कुल मिलाकर के कल 12:30 तक जो है चैलेंज दोपहर तक चलने वाला है। ये है भाई खाने पीने का जुगाड़ हमारे 24 घंटे का। ओए आ जाओ जल्दी आ जाओ, टाइम निकल रहा है, जल्दी फास्ट। सेफ्टी के लिए भाई लाइफ जैकेट चाहिए। आराम से आराम से आराम से जाने दो, बीच में थोड़ा लोड कम डालना, बीच में जॉइंट है। सामान अंदर ले लो, हमारे पास में गाइस इसको चलाने के लिए 3 चप्पू हैं। थोड़े से गहरे पानी में ले लेता हूँ किनारे से दूर, और कल 12:28 तक अब हम इससे बाहर नहीं आ सकते। हम है गाइस अब पानी के हवाले। एक काम करना, इसके बीच में कोई भी मत रहना, ठीक है। ओ भाई ये तो बोट की तरह है भाई, चलता फिरता घर। तो गाइस हमारा जो घर है वो फिलहाल पानी में चल रहा है मस्त एकदम। तो भाई हम लोग आ चुके हैं हमारे टेंट के अंदर और मैं यहाँ पर फिलहाल बाहर ही, हमारे दरवाजे के ऊपर ये लोग है अंदर। हाँ भाई, अरे ये तो मस्त पार्टी कर रहे हैं इधर पे। इसमें ऊपर एक छतरी है और हम लोग वहां से शुरू किए थे गाइस, उस किनारे से, और हम चल करके यहाँ आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो भाई फाइनली एक बार मैं इस पे खड़ा हो जाता हूँ, बैलेंस जो है बन चुका है। क्या करता है रे तेरी तो गाइस, कोयलों की आवाज आ रही होगी आपको, कोयल बोल रही है। कोयल बोल रहे एक बार। अबे साले कभी। और हम लोग, हमारा जो घर है ना वो बिना चलाए चल रहा है। मैं तो फिलहाल बाहर ही बैठा हूँ, अंदर कैसा माहौल है बताना। गर्मी नहीं लग रही अब? गर्मी लग रही है लेकिन। तो फिर एक नंबर कहाँ पे आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है अभी। हाँ। देखते हैं कितनी देर मजा आता है। रात को सांप आएंगे ना जब ऊपर, तो आएगा मजा। अब हमें ये टेंशन नहीं है हम लोग कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पानी के अंदर तो आ ही चुके हैं। भाई यहाँ पर कैमरा चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब मैं जा रहा हूँ भाई तंबू के अंदर, यानी कि हमारे घर के अंदर। हाँ भाई। तो गाइस पर मच्छर काटे इसको लगा लो, ये मच्छरदानी है, ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है भाई, बारिश वगैरह आ जाए तो। ये है उसके लिए। इसके अंदर 1 घंटा हो चुका, पूरा टेंट घूम रहा है अभी। देखो उधर देखोगे ना तो घूमता हुआ दिखेगा, ये लोग चप्पू चला रहे हैं, इधर उधर मजे ले रहे हैं। आपको ऐसे तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं तो रेस्ट कर रहा हूँ अंदर आराम से। ये है भाई बाहर का नजारा कुछ इस तरीके का।
और यहाँ पर फिलहाल तो हम चारों लोग इससे बाहर निकल के छोटे से जगह पे बैठे हैं। अरे ये जो जगह है ना, ये हमारी मिनी बालकनी है, पता नहीं क्यों इसको घुमा रहे हैं, इतनी देर हो गई है, फिर बैठ जाते हैं फिर घुमा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं फिर घुमा लेते हैं। और भाई फिलहाल बहुत रिस्की जगह पर जो हमारा कैमरा वो रखा हुआ है, और आप देख नहीं पा रहे होंगे पर अभी भी हम घूम ही रहे हैं। अंदर अगर आपको दिखाऊं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर हैं, तो गाइस हमारे पास यहाँ पर है रसगुल्ला, यहाँ पर है कुछ चिप्स वगैरह, ये यहाँ पर भाई चॉकलेट, प्योर मैजिक चॉकलेट, क्या चीज़ है यार ये, जो भी बिस्किट है या कुकीज़ होगा, ये है गाइस समोसा। एक बात बताऊं, जितना हमने सोचा था ना उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल ये पूरा जुगाड़ है, ये पूरा जो सिस्टम है उससे कहीं ज़्यादा स्टेबल है, उससे कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अभी तक तो मज़ा ही आ रहा है, लेकिन रात भी आएगी गाइस, सांप भी आएंगे गाइस, और डर भी लगेगा गाइस। मार मार जोर से, मार थोड़ा तेज मार भाई, ये स्पीड बहुत तेज पकड़ लेता है। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, भाई इसको चलाना तो आ नहीं रहा मेरे हिसाब से, मैं एक चप्पू मार रहा हूँ, राहुल तीन चप्पू मार रहा है उधर। तो भाई समोसे यहाँ पर तैयार हैं विद सॉस विद चटनी, दो समोसे हैं लेकिन समोसे का साइज इतना ज़्यादा छोटा है, चलो कुछ तो जो है पेट में जाएगा। देखो कितना क्यूट सा समोसा भाई, हाँ गाइस अब आपको जो है ये दिखाते हैं कि इस तंबू में इस टेंट में जो पानी के ऊपर तैर रहा है उसमें सुसु कैसे करते हैं। हाँ भाई करो, तो गाइस आपको 360 व्यू देने वाला हूँ मैं अभी। तो गाइस कुछ इस तरीके से इसके ऊपर सुसु जो है वो करी जाती है, आप लोग देख सकते हो। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है और हम लोगों ने कई बार तो एक्चुअली में पानी मंगवाया, और अभी बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दिन तो नहीं छिपा है गाइस, अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है लेकिन शायद थोड़ी देर में जो है अंधेरा। भाई थोड़ी सी भूख भी लग गई है शाम को। गाइस नीचे कमेंट्स में ये बताओ कि किस किस का जो फेवरेट है वो रसगुल्ला है। एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है चाय। तुम्हारा अलाउड नहीं है, वो लोग वहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं और जा भी नहीं रहे हैं वापस से, अभी घूमने आ गए और वहीं पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं मेरा फेवरेट। तुमको नहीं मिलेगा भाई, ये चाय ला दो यार, पैक करा के। अरे यार क्यों अलाउड नहीं है भाई, चाय बगल में कब्रिस्तान है उधर पंचान है। अरे यार यार ला दो यार चाय। गाइस यहाँ पर ये जो छोटा सा कट लगा था, वो छोटा सा नहीं था, वो काफी गहरा था, अंदर जो है यहाँ तक जो है अभी घुस चुका, मतलब उस टाइम ही घुस गया था, और अब इसमें आ रहा है ब्लड और मेरे को हो रहा है दर्द। इस घाव के ऊपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ना हमारे पास बैंडेज है ना हमारे पास कोई पट्टी है, और कल दोपहर तक रहना है भाई। और मुझे आवाज़ आ रही है फिलहाल, ये जो बीच की जो टेप है ना इन दोनों गद्दों की, वो हट रही है, तो अगर ये दोनों गद्दे अलग हो गए ना हमारा पूरा सिस्टम बिखर जाएगा यहाँ पे। सांपों के निकलने का टाइम हो चुका है, क्योंकि सांप जो हैं वो दिन में रहते हैं अपने बिलों में, और शाम को वो आते हैं अपना शिकार अपने लिए खाना पीना ढूंढने के लिए। तो भाई फिलहाल एकदम अंधेरा हो चुका है, लाइट जलाने पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है नज़ारा भी दिख रहा है, और हम लोग इसी में ही हैं, अपने जो तंबू है जो हमारा घर है उसी में ही है गाइस। इधर पे पानी है, बोर भी हो गए और अब डर लग रहा है सांपों का, क्योंकि जस्ट यहाँ पर सांप हो सकते हैं। देखो ये मेंढक, देखो यहाँ पे ये देखो भाई, और हमारे फ़ोन की जो लाइट है वो यहाँ तक ही जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे जो मेंढक है गाइस वो दिख रहे हैं। तो गाइस वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे चैलेंज, और हम थे बाहर, और ये देखो ये कितनी खतरनाक गाइस, ये देखो यार ये क्या चीज़ है, भाई साहब बहुत खतरनाक सांप है। इसको क्या बोलते हैं करतार, बड़े पैर वाला, कंचला बोलते हैं अपने यहाँ पे लोकल में, कन खजूरा डोंट नो, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। और गाइस वो कर रहे हैं वहाँ पे चैलेंज, देखो लाइट दिख रही होगी आपको, ओ भाई ओ तेरी, कितना लंबा है, पीछे तक है, और इसका मुंह इधर आओ, देखो गाइस हम कैसे टाइम पास कर रहे हैं। आजा छोटू, आजा तेरी आ गया मेंढक को, वो गया अभी तो हां।
हाँ 10 फीट दूर पे सांप है, गेट से ही तो आएगा वहाँ। तुम लोग वहाँ ध्यान रखना ठीक है, सिक्योरिटी रखना वहाँ पे। भाई यहाँ पे आप ये देखो कि कितने मच्छर हो रखे हैं यहाँ पे, ये देखो आप लोग, ये देखो दूर से दिखाता हूँ, देखो भाई कम से कम भी नहीं ना तो अंदर 500 मच्छर है। निकाल निकाल, हाँ ऐसे, हाँ मार मार मार। गाइस ये जो मच्छर है अब हम इनको पागल बना रहे हैं और इनको उधर से इधर लाइट की तरफ लेके आ रहे हैं बाहर, लेकिन इतने ज्यादा हैं कि हमारे पैरों पे आ रहे हैं। ओ शिट, बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी। आ विकास लाइट फुल कर ले तेरी, एक बार मच्छरों को उधर भगा रहे हैं हमको, एक बार भगाओ इनको उधर। रात के 10:27 हो चुके हैं गाइस, कम से कम पिछले 2-2.5 घंटों के अंदर इतना ज्यादा परेशान हो गए। वहां पर विकास है, 2 सांप तो एक्चुअली में मुझे दिख चुके हैं, मुझे खुद को 2 सांप दिख चुके हैं। गाइस वो रहा सांप, हिल मत विकास, वो आ गया गाइस, ये हमारी साइड आ रहा है, ये तीसरा सांप है मेरा, जबकि मैं तो अंदर बैठा था, इन लोगों ने तो और भी ज्यादा देखे हैं। अरे ले आओ यार, अरे यार देता हो तुम लोग। भाई चाय आ गई हमारे लिए इस बीहड़ सुनसान जगह में, आ जाओ यार। सांप तो है लेकिन सांपों से हम इतने परेशान नहीं थे, मच्छरों से नहीं सांपों को लग रही गर्मी पानी में और इसलिए वो बाहर आ रहे। अरे ओए इसमें अलग ही जीरा डल जाएगा अगर मच्छर उड़ते रहे ना ऐसे ही चाय में। दोस्तों यहाँ पर ये एक जानवर है, ये रहा इस पे चढ़ गया। दोस्तों ये जो जानवर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये अभी हमारे चप्पू पर चढ़ गया है। और दोस्तों ये वही जानवर है जो कि अगर आपकी स्किन पे या कहीं पे लग जाता है उसके बाद में खून चूसता रहता है ये। तो गाइस ऐसे खतरनाक जानवर भी इस जोहड़ के अंदर हैं फिलहाल, और अभी मैंने इसको अपने चप्पू पर ले लिया ताकि मैं इसको आपको दिखा सकूं, इसलिए रिस्क ले रहे हैं भाई। दूर दोस्तों ये देखो इसके चलने का तरीका, देखो आप एक बार ये कैसे चलती है, देखो ये कैसे चलती है। हाँ पहले पूरी छोटी हो जाती है फिर पूरी बड़ी हो जाती है, ये देखो। ऐसा म्यूजिक लग रहा है कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है इस बोरिंग इंसान के साथ। सूरज न बदला, चांद न बदला, कितना बदल गया इंसान। क्या करे भाई भूख लग गई है, काम करता हूँ पहले तो इसको मिक्स कर लेता हूँ, इसे कोई बर्तन में घोलना पड़ता है, हमारे पास कुछ है नहीं तो मैंने सीधा मसाला डाल लिया। खाना पीना हो चुका है भाई, अब सोना है, पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन ऐसे तो ठीक है, बाहर सांप वहाँ पे ये सोच के जो है डर लगता है। चलो दरवाजा खुल गया भाई, अब आराम से सोते हैं यहाँ पे। 12 बज गए हैं भाई, लगभग 12 से ऊपर ही हो गया फिलहाल टाइम, मस्त सोते हैं अभी, लाइट बंद कर रहा हूँ। गुड नाइट, आप लोगों से मिलते हैं सुबह, भूल जाओ कि सांप है। 2000 years later अरे यार हवा कम हो गई लेकिन मेरा पैर पूरा इसमें है भाई, मेरा पैर पूरा पानी के अंदर है। और एक बार तो मैं ऐसे पानी में चला गया था जैसे कोई सांप वहाँ आ जाए कुछ ऐसा, भाई हम लोग सोने के लिए चले गए थे एक्चुअली में, लेकिन उसके बाद में पानी भरने लग गया और उसके बाद में अभी आपने देखा ही यहाँ पर क्या हालत हुई है भाई। एक बात आपको और बताऊँ यहाँ पे खतरे वाली बात, यहाँ जहाँ हम लोग हैं इससे जस्ट 50-100 फीट के ऊपर, 100 फीट भी नहीं है 50 फीट के ऊपर कब्रिस्तान है एक्चुअली में, असली में ही शमशान भी है यहाँ पर इस जोहड़ के दूसरे साइड में है, वो यहाँ से लगभग 100-200 मीटर होगा, लेकिन जो कब्रिस्तान है वो यहाँ से मुश्किल से 30-40 मीटर होगा, लगभग 50-100 फीट है। पैर कहाँ तक जा रहे हैं, ये पानी अभी भी अंदर इसमें देखो भरा हुआ ही आ रहा है, पानी बार बार आ रहा है कहीं ना कहीं से। क्यों क्या डर लगता है यार, तो कोई बात नहीं यार, अभी मैं मेरे पास से गुजरा थे कभी। अरे ठीक है तो यार क्या हो गया एक बार मेरे को तो, हाँ क्या बात हो गई, मैं सो रहा था तभी भी। कोई नहीं आधा तो हो ही चुका है यार, इतना हार मानने से कोई मतलब नहीं है, आधा ही तो टाइम हुआ है, आधा टाइम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला जाता हूँ यार सच्ची में। क्या बात हो गई, अजीब सी वाइब्स आने लगती है यार, कोई है भी। अरे ओए एक काम करो, इसको किनारे पे छोड़ दो भाई, इसको चक्कर वक्कर आ रहे हैं और ये कह रहा है मेरे को डर लग रहा है, डर तो हमें भी लग रहा है भाई, लेकिन हम लोग क्या करें भाई, ऐसा चैलेंज लिया है
क्या बताएं, यहाँ पानी भरा हुआ है, सही से बैठ भी नहीं पा रहे, सोना दूर की बात है, सोते ही जो पूरा कपड़ा है वो गीला हो जाता है। राहुल एक काम करो, अरे किनारे पर छोड़ देते हैं। ओके जाएगा कैसे, बुलाता हूँ, बोल लेंगे। वो लोग भी गाइस जो है चले गए हैं अभी थोड़ी देर पहले, वो लोग थे, फिर हमने बोला कि चलो ठीक है तुम लोग जाके सो घर पे, तो अभी कोई है भी नहीं। यार ये राहुल है ना, ये क्विट कर रहा है भाई, कहाँ पर हो तुम लोग? एक काम करो, तुम लोग तुरंत से आ जाओ यहाँ पे 15 मिनट में जल्दी, है ना, और इसको लेके चले जाओ या तो, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन हमारे पास में है नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास, हम अकेले हैं बिल्कुल यहाँ पे। कहाँ है? अरे कोई क्या हुआ? आराम से बैठ जाओ, हिलो मत यार, बैठ जा बैठ जा बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ेगा सांप। अरे यार ये तो नहीं सोचा था गाइस कि बीच में किसी छोड़ना पड़ेगा, फिर किसी को बुलाना पड़ेगा। भाई सही बताऊं, ये चैलेंज जो है ना, ये जितना इजी दिखता है ना उतना इजी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत टफ हो रहा है फिलहाल अभी आके। एक काम कर, फोन है तेरे पास, फोन लेके निकल जा। अरे सांप देख ले, वहाँ सांप भी हो सकते हैं एक बार। तो भाई अभी चैलेंज में हम तीन ही लोग रह गए हैं, राहुल चला गया है, अभी आ रहे हैं वो लोग, आराम से ले जाइयो ठीक है। अरे यार ये पानी क्यों भरता है इसमें? अरे यार सब कुछ ऐसे गीला हो जाता है इसमें बैठते ही, और इस पानी में अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर में जोंक भी हो सकती है यार। वो अभी जो घूम रही थी हवा, भरमोई था हवा, भरे बीच में आवाज हो रही है। हैं कहां है ओए, वो पीछे भी हो सकता है देख के। अरे बैठ जा बैठ जा, उसको वहां पे सांप और दिख रहा है, उसने तो क्विट कर दिया, उसके बाद में इधर उधर भागा। एक काम कर, आराम से बैठ जा तू। अरे यार भाई क्या ड्रामा हो गया, क्या ड्रामा हो गया आज यार, ऐसा होता नहीं है जनरली, कभी कभी होता है। अरे जल्दी आओ यार, ये रो रहा है ये तो। राहुल हम लोग 15 मिनट से यहीं पे खड़े हैं इसके पास में ही, इसको ले जाओ भाई, गाड़ी लेके आया तुम लोग, क्या लाए हो? यहाँ जो गाड़ी है ना वो भी यहाँ से लगभग 300-400 मीटर दूर खड़ी होती है, बीच में खेतों में से और ऐसे जंगल से में से आना पड़ता है तब जोर पहुँच। आ जाके इसको ले जाओ ना। हाँ हम लोग तो, हमको अभी ऐसी वो तो दिक्कत नहीं है, डर लग रहा है पर ठीक है भाई। देखो और ठीक है, ध्यान रखना भाई। रात के 2 बज चुके हैं और ये लोग भी जा चुके हैं, अब हम लोग 3 ही रह गए। पहले तो इतना दिक्कत नहीं लग रही थी, अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा डर, सही बात बताऊं तो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है हमारे इस बेड़े के अंदर ही भाई, जैसे कैसे करके हमने रात निकाली पूरी, 2-3 घंटे नींद आई होगी, लेकिन अब सुबह हो गई है, अब वापस से जो उम्मीद है वो बन गई है, लेकिन अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अभी आप लोग देख सकते हो बाहर जो है बिल्कुल दूर है हम लोग अभी किनारे से, अभी जो जोहड़ है उसके एकदम बीच में है, लेकिन यहाँ आने के बाद में कम से कम सांप दिखे तो नहीं, पानी में हमारे नीचे होंगे सांप लेकिन दिखे तो नहीं कम से कम। कितनी बार तो इसमें हवा भरी है मुझे ही मालूम है, बहुत बार हवा भरी है इसके अंदर, बार बार जग रहा था फिर सो रहा था। तो भाई फिलहाल बच चुके हैं 11 से ऊपर ही हो गए हैं और हमारी हालत हो गई है ख़राब, कभी धूप कभी छाँव का खेल तो चल रहा है, अभी तो जो है थोड़ी छाया है तो ठीक लग रहा है, लेकिन हवा निकल रही है, आप देखो मैं कैसे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अंदर धंस गया हूँ भाई, बार बार हवा निकल रही है, जो पंप है ना वो मैंने परमानेंट ही जोड़ लिया है इसमें, सीधा हवा भरते रहो चलाते रहो। लेकिन यार गाइस ये जो चैलेंज है ये ऐसा होने वाला था, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। राहुल ने पहले क्विट कर दिया था, रात को भी वो बढ़िया रहा उसने क्विट कर दिया, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर जो है चैलेंज ऐसे बीच में छोड़ेंगे गाइस तो फिर चैलेंज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब इस चैलेंज को पूरा करके इतना सुकून मिलेगा, इतना रेस्ट मिलेगा, क्या बताऊं भाई। मैं तो अभी खुश हो रहा हूं कि अब चैलेंज पूरा होने वाला है लगभग 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में। तो भाई कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें हवा भरे जा रहे हैं, तो गाइस फिलहाल 12:29 हो चुके हैं और हमने जैसे कैसे करके, पता नहीं आपको दिख पा रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं बढ़ेगी इतनी है, हमको 20 मिनट लग गए, हम वहाँ पर अभी भी नहीं पहुँच पाए भाई, बहुत भयंकर थक गए, ऐसी गर्मी है, पानी भी नहीं पिया है,
अरे जल्दी चलो यार, अब किनारे पे उतरते हैं, इससे हो गया काम। थोड़ा स्पीड से लेना होगा ना, इससे किनारे पे चढ़ जाए। और ओ भाई जाओ यार। अरे मैं तो जा रहा हूँ बाहर, तुम लोग देख लो अपना हिसाब किताब। हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है अभी इसके अंदर और रहने की। ज़रा सा अभी पानी घुसने लग गया है हाथ ही, फिर से देखो इसमें खींचो आराम से। अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ अरे भाई भाई ऐसा चैलेंज मत करना ट्राई। बेड़ा फाइनली वापस आ चुका हमारा, ना हाथों में जान बची है ना पैरों में जान बची है, बिल्कुल भी हालत ऐसी हो गई कि कभी भी गिर सकते थे, कभी बेहोश हो सकते थे। सीरियसली ऐसी हालत हो गई थी भाई। कल तक तो हम लोग चिल चल रहे थे एकदम, हमको लग रहा था हाँ ठीक है हो जाएगा, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है और अब हो गया है फाइनली गाइस, टास्क कंप्लीटेड बिना क्विट किए। तो भाई अब बस कुछ नहीं कहना चाहूंगा, अगर आपको मजा आया इस चैलेंज में, मजा तो क्या भाई हमारी तो ऐसी हो गई। दिक्कत बंद कर दो, इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना बस जल्दी यार, सब लोग अब लाइक कर दो और कुछ नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार बाय बाय टाटा। क्या बोल रहा हूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा, चलो छाया में चलते हैं यार।